बड़ी खबर यूपी के दो जनपदों मेरठ व आगरा की है। दो सप्ताह पूर्व आगरा एक्सीडेंट की घटना में एक ही परिवार के 15 लोगों की मौत, आगरा के सैमरा गांव में कोहराम। दूसरी घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां पर 3 मंजिला मकान जमींदोज। मेरठ के जाकिर कॉलोनी निवासी एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत, आमजन शासन प्रशासन की कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू। आगरा के 15 लोगों के जनाजे व मेरठ में 10 जनाजों को एक साथ देख परिजनों व आसपास के लोगों में कोहराम। दो सप्ताह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं। दो सप्ताह पूर्व आगरा के सैमरा में 15 जनाजों को एक साथ देख क्षेत्र के लोग गमजदा थे और चर्चा हो ही रही थी कि मेरठ के जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान गिरने के बाद मलबे में दबकर 10 लोगों की मौत के बाद एक ही परिवार के 10 जनाजों को देखकर हर कोई गमजदा था। गई थी उनके रिलेटिव्स के द्वारा जो उस घर में थे, 3 लोग उसी टाइम पे जब टूट रहा था तभी निकल गए थे, बाकी के लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो अब तक पूरे जो उन्होंने नाम बताए सभी 15 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है, उसमें अब तक की जो डेथ टोल है वो 10 लोगों की है, 5 लोग अलाइव हैं। और वैसे तो उन्होंने जो नाम बोले थे वो सारे हम लोगों ने सब रेस्क्यू कर लिए, बट फिर भी पूरा अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा जब तक हम लोग ये पूरा मलबा और हर एक डेब्रिस को वहाँ से हटाना ले, कोई भी गुंजाइश हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये लगातार चल रहा है, बाकी हमारे द्वारा मेडिकल कॉलेज में सभी बॉडीज रखी गई हैं, उनकी नियमानुसार पोस्टमार्टम की और बाकी कार्रवाई चल रही है। इसमें आगे जो भी और अपडेट होगा मैं आप लोगों से शेयर कर। दो सप्ताह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं। दो सप्ताह पूर्व आगरा के सैमरा में 15 जनाजों को एक साथ देख क्षेत्र के लोग गमजदा थे और चर्चा हो ही रही थी कि मेरठ के जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान गिरने के बाद मलबे में दबकर 10 लोगों की मौत के बाद एक ही परिवार के 10 जनाजों को देखकर हर कोई गमजदा था। आया मैं।